हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पफ स्लीव्स बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पफ हमारी स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए हमने 11 इंच पे एक निशान लगाया और स्लीव्स की वेड़ हमारी है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हैं साइड में, उसका एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 11 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और ये दोनों निशान जोड़ लेते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ऊपर से अब हम कैप हाइट लेंगे 3 इंच, ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधा हम जैसे 2 इंच अपना सिलाई मार्जिन रहता है वह 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम फिर स्लीव्स का शेप दे देते हैं, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स का शेप देते हैं वैसे ही शेप दे देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट शेप देने का ज़रूरी नहीं है, पफ स्लीव देते हुए आगे का शेप हम नहीं देते हैं। हमारा स्लीव राउंड है 5.25 इंच और 5.25 पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। और अब हम ये दोनों निशान जोड़ देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। ये देखिए हमारी बेसिक स्लीव्स की ड्राफ्टिंग अप हो गई है। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का वो ले लेते हैं और उसके जो बॉर्डर रहती है वो नापेंगे कितनी रही है। सबकी ब्लाउज की बॉर्डर अलग अलग रहती है, आपकी जितनी बॉर्डर है उसी हिसाब से आप नाप लेंगे। ये मेरी यहाँ पर 7 इंच है, नीचे की पट्टी जो 1/2 इंच की रहती है वो छोड़ देंगे। यहाँ पर हम जो मेन ड्राफ्टिंग बनाई थी स्लीव्स की उसमें 7 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी बॉर्डर है उतने हमको यहाँ पर निशान लगाने का है। आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है, आप अपने ब्लाउज पीस के बॉर्डर के अनुसार यहाँ पर निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरी 7 इंच है इसलिए मैंने 7 इंच पे निशान लगा के ड्रॉ किया है। अब हम जहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगाया था उतना पार्ट हम कट कर देंगे, जो हमने बॉर्डर के लिए निकाला है। ये पार्ट बढ़ेगा नहीं, जितना हमारा नॉर्मल रहता है जितना है उतना ही रहेगा। जो बढ़ेगा हमारा ऊपर वाले पार्ट में बढ़ेगा, जिस पर हम पप के लिए हम प्लेट्स लेते हैं ना, इसके लिए हमें साइड में इसको बढ़ाना पड़ता है। ये देखिए अब हमारा ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर साइड में मैं 4.5 इंच ऐड कर रही हूँ। ये स्लीव्स कटिंग देखने के बाद आपको दूसरी स्लीव्स कटिंग देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पफ स्लीव्स कटिंग इसी तरह से आप कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल भी कम ज़्यादा भी नहीं होगी और एकदम परफेक्ट आएगी। और एकदम इजी तरीके से बताया है जो सबको जल्दी से समझ में आ जाए। ये देखिए अब हमने ये 2.5 इंच बनाया था वो जोड़ दिया है। अब हम पफ के लिए ऊपर हम 1 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच पर निशान लगाया, 1 इंच पर निशान लगाया और अब हम यहाँ पर ऊपर से ऐसे राउंड करके शेप दे देंगे। देखिए ऐसे एकदम राउंड में अच्छे से शेप दे देंगे और उससे थोड़ा ऊपर से कटिंग करेंगे। ब्लाउज पीस पे और थोड़ा हम साइड से बढ़ाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट आप कटिंग करके हो गए हैं। अब हम ब्लाउज पीस ले लेते हैं जिस पर हमको कटिंग करना है।
देखिए मैंने ब्लाउज पीस ले लिया है और ये हमारी ब्लाउज बॉर्डर है, इसको हम फोर फोल्ड में करके रखेंगे। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था, कट किया था, वैसे ही इस पे रखेंगे। और ऊपर आधा या 1/4 इंच का कपड़ा रख के हम इसको कटिंग करेंगे। और तो ऊपर वाले पार्ट में हम ज्वाइन करने के लिए इधर कपड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आपको भी इधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है। इधर साइड में कपड़ा कम पड़ रहा है, उसको मैं सिलते समय ज्वाइन दे दूँगी। ये देखिए अब हमारा नीचे वाला बॉर्डर वाला पार्ट कटिंग करके हो गया है। अब हम ऊपर वाला पार्ट कटिंग करेंगे, उसको भी ध्यान से देखिए। अब इसको मैं अब फोर फोल्ड करके रखूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने फोर फोल्ड करके कपड़ा रखा है। यहाँ पर हम साइड में 2 या 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच तक आपको रखना ही है। यहाँ पर 2 इंच मैंने रखा है। इधर साइड में मेरा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। आपका कपड़ा कम है तो आप 2 इंच तक रख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगाती हूँ, 2.5 इंच। और बाद में जो हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है, जैसे हमने कट की थी, उसको रख के सेम जैसे है वैसे ही आपको कटिंग करनी है। अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे है बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग करनी है। देखिए अब हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। बाहुबली स्लीव बोलते हैं इसको, ये स्लीव्स का लुक भी बहुत सुंदर आ जाता है। अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये स्लीव, हर कोई यही स्लीव्स बनाता है। सिल्क साड़ी में ये बहुत अच्छा दिखता है। आजकल पफ स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए अब हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। ये है ऊपर वाला पार्ट और ये है नीचे वाला अपना बॉर्डर वाला। इसको हम प्लेट्स लगाएंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और नीचे जो बॉर्डर, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये जैसे जितनी हमारी नीचे वाली बॉर्डिंग कटिंग की थी हमने, सेम उतना ही हमने अस्तर का भी कटिंग कर लिया है। पहले हम ऊपर वाले पार्ट्स में स्लिट डालेंगे। साइड से हम 6 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से 6 इंच हम कपड़ा छोड़ देंगे। आपका जितना भी स्लीव्स का विड्थ होगा उसमें से 1.5 या 2 इंच कम करके आप कपड़ा छोड़ सकते हैं। मेरा यहाँ 7.5 इंच था, तो मैंने 1.5 इंच छोड़ा है और 2.5 इंच छोड़ा है और 6 इंच कपड़ा साइड में छोड़ा है। तो 2.5 इंच का हमारा जो प्लेट्स का पार्ट है वो आ जाएगा। इसलिए आप भी अपने हिसाब से छोड़िए। 2.5 इंच का अपना प्लेट्स का जो पार्ट रहता है वो आ जाता है, तो उसमें से 2 या 2.5 इंच माइनस करके आप अपने स्लीव्स का भी कपड़ा साइड से छोड़ सकते हैं। जितना हमने साइड में बढ़ाया था उतना ही आपको छोड़ना है। स्लीव्स कटिंग करते टाइम आपने 2.5 इंच बढ़ाया था ना, उतना ही आपको स्लीव्स का जितना हम पफ लगाते वो पार्ट आ जाता है। इसलिए आप जितना स्लीव्स कटिंग करते टाइम बढ़ाएंगे उतना ही आपको उसमें से माइनस करना है। ये देखिए हमारी ऊपर वाली साइड प्लेट लगा के हो गई है। अब हम नीचे वाली साइड में वैसे ही प्लेट लगाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए हमारे नीचे वाले साइड में भी प्लेट्स लगा के हो गई है, और देखिए कितना सुंदर पपाया है। अब हम नीचे वाला जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको हम ज्वाइन करेंगे। अब हम ये स्लीव्स में सीधी वाली पार्ट्स रखेंगे, नीचे स्लीव्स रखेंगे, उसके ऊपर जो हमारे बॉर्डर है उसको सीधी साइड से रखेंगे। ये आप ध्यान दे के ज्वाइन करिए, इसको रखेंगे। फिर हम नीचे अस्तर वाला पार्ट रखेंगे, जो हमने अस्तर कटिंग किया था बॉर्डर के जितना, वो वाला पार्ट नीचे रखेंगे, बीच में स्लीव्स, और ऊपर अपना जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको रखेंगे। उसको रख के हम स्लीव्स लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 3 पार्ट आपको अच्छे से हाथ में पकड़ के इसलिए सिलाई लगानी है, नहीं तो सिलाई लगाते टाइम एक आध पार्ट बीच में से निकल जाएगा। और प्लेट्स का भी ध्यान देते हुए लगाने का, एक प्लेट्स ऐसे नीचे दबा के आपको उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए अब हमारी सिलाई लगा के हो गई है। अब हम इसको पलटी करेंगे, दोनों पार्ट, नीचे अस्तर वाला और ऊपर का जो बॉर्डर का पार्ट है उसको भी हम सीधा कर लेंगे, और नीचे वाली साइड में हम ऐसे अंदर फोल्ड करके दोनों अस्तर वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट फोल्ड करके उसके ऊपर एक ऐसे सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा के ले लेते हैं, दाब सिलाई लगा, यहाँ पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक आता है लेस अटैच करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर मैं अभी लेस नहीं अटैच कर रही हूँ। आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, स्टोन का लेस इस पर ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अभी तो आप सिलाई लगा के हो गई है, अब हम नीचे वाले पार्ट में हम ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा होगा तो आपको ये स्लीव ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप फिर भी ना समझ में कुछ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हमारी स्लीव्स कितनी अच्छी रेडी हो गई है, पफ भी कितना अच्छा आया है। अब हम साइड से, दोनों साइड से सिलाई लगा के ले लेंगे। फिर हम चेक करेंगे दोनों बराबर है, थोड़ा बहुत कम जगह ज़्यादा हो तो आप कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्लीव्स की विड़त भी नापेंगे, जब हमारी कितनी है, ये देखिए यहाँ पर 2 हम सिलाई मार्जिन का जितना लिया था उतना ही नापेंगे, और फिर यहाँ से हम हमारी जो विड़त ही थी 7.5 वो देखेंगे बराबर है कि नहीं। ये देखिए मेरे स्लीव्स की लेंथ एकदम परफेक्ट आ रही है, 7.5 इंच। अगर कम होगी तो आपको ये नीचे वाला पार्ट अटैच करने से पहले ही देखना है। अब हम दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, दूसरे स्लीव भी ऐसे ही रेडी करेंगे इसी तरीके से। इस साइड पे भी हम 6 इंच छोड़ेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी स्लीव्स भी एकदम रेडी हो गई है।